So in this video, I'm going to show you 5 low-cost cheap bicycle bottle holders which you can buy from Amazon. So welcome back to my channel Cycle Rider Roy. My name is Vishu. अगर आप मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हो तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको आप कीजिए सब्सक्राइब एंड साथ ही जो बेल बटन है उसमें आप ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखिए. इस तरीके के साइकिलिंग से रिलेटेड न्यू वीडियोस मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ. एज अ साइकिलिस्ट हम सभी को एक वाटर बॉटल अपने साथ कैरी करना पड़ता है बिकॉज जब हम लोग राइड करते हैं तो पानी वगैरह हमको पीना पड़ता है. सो ऐसे बॉटल को कैरी करने के लिए हमारे बाइसाइकिल में एक वाटर बॉटल की ज़रूरत हम लोगों को पड़ती है बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक एंड नीडी एक्सेसरी है. वैसे तो ऑनलाइन बहुत सारे बॉटल होल्डर्स अवेलेबल हैं बट इतने सारे ऑप्शंस हैं कि हम लोग खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा खरीदे कौन सा ना खरीदे. आज के वीडियो में मैं आपको शो करूंगा कुछ बाइसाइकिल बॉटल होल्डर्स जो मैंने अमेजन से लिए हैं एंड आई विल शो यू उनकी ड्यूरेबिलिटी एंड उनकी क्वालिटी कैसी है एंड उनका मटीरियल कैसा है ताकि आप लोग अपने लिए सबसे बेस्ट बॉटल होल्डर चूज कर पाए. ऑलराइट गाइस, नाउ बात करते हैं सबसे पहले बॉटल होल्डर्स की, तो वो है ये वाले जो बॉटल होल्डर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन मैंने देखे हैं. ये अमेजन पे काफ़ी इजीली अवेलेबल होते हैं. इन टर्म्स ऑफ अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये अमेजन पे बहुत इजीली 100 से 150 रुपीज़ के अंदर ये मिल जाता है. प्लास्टिक की क्वालिटी है इसकी एंड अगर इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो आप देख सकते हो मैं अभी इसको पूरी तरीके से कर रहा हूँ स्ट्रेच एंड ये अभी तक तो नहीं टूटी है. ये देखो मैंने उसको पूरा खोल के एकदम पतंग जैसा बना दिया है. सो और जैसे ही ये थोड़ा सा खुल जाता है, एज यू कैन सी थोड़ा सा गैप इसमें हो जाता है बट यू कैन डेफिनेटली पुश इट, ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है. सो ड्यूरेबिलिटी के मामले में तो ये काफ़ी अच्छा है, नहीं टूटा ये अभी तक. प्लास्टिक का मटेरियल है, स्ट्रेचेबल है तो ऑब्वियसली टूटने वाला नहीं है. तो मेरे पास है ये मेरा वाटर बॉटल जो मैं जनरली कैरी करता हूँ एंड इन टर्म्स ऑफ फिटिंग की अगर बात की जाए तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे तरीके से ये फिट हो जाता है एंड पूरा बॉटल को अच्छे तरीके से पकड़ के भी रखता है. नाउ समथिंग जो मुझे इस वाटर बॉटल होल्डर की चीज़ अच्छी नहीं लगी दैट इज़ कि यहाँ पे जो ये गैप है, बिकॉज इसके वजह से क्या हो सकता है कि राइड करते वक्त एक्सट्रीम राइड जैसे जंप कर रहे हो आप कहीं से या फिर थोड़ा हार्ड ऑफ रोड राइड के लिए जा रहे हो, ऐसे केसेस में जो आपका बॉटल है ये यहाँ से निकल सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट ये काफ़ी अच्छा मेरे को केज लगा एंड 100 से 150 रुपये में ही मिल जाता है यार, काफ़ी चीप भी है. नाउ इन टर्म्स ऑफ अगर इसके कलर्स की अवेलेबिलिटी की बात करें तो मेरे पास अभी है ब्लैक, ब्लू एंड रेड. ये 3 कलर मेरे को अमेजन पे दिखे थे तो मैंने इनको ले लिए. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वाटर बॉटल होल्डर का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग खरीद सकें. गाइज, नाउ सेकंड वाटर बॉटल होल्डर्स जो अमेजन पे मैंने देखे हैं बहुत ही कॉमनली अवेलेबल हैं वो हैं इस तरीके के एल्यूमिनियम के वाटर बॉटल होल्डर्स. ये भी काफ़ी कॉमन डिज़ाइन है एंड बहुत ही ईजिली एंड बहुत ही ज़्यादा ये मैंने देखे हैं कि अमेजन पे ये अवेलेबल है. इसके मटेरियल की अगर बात की जाए गाइज तो ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज आई कैन सी एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज मैं काफ़ी फोर्स इसमें पुट कर रहा हूँ एंड देख सकता हूँ कि ये अभी तक काफ़ी अच्छे तरीके से ये बना हुआ है. इन टर्म्स ऑफ अगर इसके डिज़ाइन की बात करें गाइस तो बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है. पीछे की तरफ आपको 4 इस तरीके के बोल्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं जहाँ पे आप इसको अपने बाइसाइकिल के पॉइंट्स में लगा सकते हैं ईजिली. अब देखते हैं कि इसमें बॉटल कितनी ईजिली फिट हो जाता है. सो आई एम करंटली ट्राइंग टू पुश माई वाटर बॉटल एंड एज यू कैन सी गाइज ये काफ़ी टाइट एंड स्नग फिट तरीके से ये पूरा लग चुका है एंड आई डोंट थिंक सो ये इसमें से निकलने वाला है. साइड से भी ये निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ बट ये नहीं निकल रहा है, बस मेरा बॉटल जो है ये पिचक जा रहा है एंड एज यू कैन सी मैं जान तो लगा रहा हूँ पर ये निकल नहीं रहा है. ओवरऑल अगर मैं देखूँ गाइस तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइट इसने हमारे बॉटल्स को पकड़ के रखा हुआ है. ऑलराइट गाइस, नाउ एज यू कैन सी ये जो एल्यूमिनियम के केज है वाटर बॉटल्स के, ये अभी कुछ इस तरीके के डिफरेंट कलर्स में आपके लिए अवेलेबल है. रेड, गोल्डन कलर, इस तरीके का पर्पल कलर एंड ब्लैक कलर एंड आई फील थोड़े और भी डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं. सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक इनके भी आपको मिल जाएंगे. इनके प्राइस की अगर बात करें तो इनका जो प्राइस है वो भी अराउंड 100 से 150 रुपीज़ के बीच में है, विच आई फील इट्स रियली वर्थ बिकॉज ये एल्यूमिनियम के बने हुए हैं, इतनी ईजिली से ये नहीं टूटने वाले. ऑलराइट गाइज, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड प्रोडक्ट, वो है इस तरीके के. एज यू कैन सी गाइज अभी मेरे हाथ में काफ़ी डिफरेंट तरीके के ये वाटर बॉटल होल्डर्स हैं, भी पूरी तरीके से प्लास्टिक के बने हुए हैं एंड काफ़ी डिफरेंट तरीके के डिज़ाइन में ये पूरा है. एज जैसे करंटली अभी मेरे हाथ में जो ये वाला है इसमें बेस आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक मटेरियल है, पीछे का बेस भी इसका सॉलिड है एंड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेच की अगर बात करूँ तो ये ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होता है बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका होल्ड है. सेकेंड वाला जो मेरे हाथ में है वो कुछ इस तरीके का है एज यू कैन सी गाइज, जिसके नीचे का बेस खाली है एंड सामने यहाँ पे इन स्पीड की कुछ ब्रांडिंग दी हुई है. इन टर्म्स ऑफ अगर इसके भी मैं स्ट्रेच करके टेस्ट करूँ तो ये स्ट्रेच हो रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से, मैं बहुत ज़्यादा जान लगा रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट एंड ये अभी तक तो नहीं टूटा है. अच्छा मटेरियल है, पूरा बेंड कर रहा हूँ देख सकते हो,
पूरे तरीके से इसको बेंड कर रहा हूँ बट ये नहीं टूट रहा है। कुछ इस तरीके से जो थर्ड कैटेगरी में हमारे पास ये बॉटल होल्डर्स है कुछ इस तरीके से ये दिखती है। एंड इन टर्म्स ऑफ अगर इसके बॉटल्स के होल्ड करने की कैपेसिटी को देखें तो काफ़ी फोर्स मेरे को लगाना पड़ रहा है इसमें बॉटल को लगाने के लिए। एंड वंस इट इज़ इन कुछ इस तरीके से ये पूरे बॉटल को हमारी होल्ड करके रखती है। स्ट्रेचिंग क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी लगी, प्लास्टिक का है नहीं टूट रहा है। एज यू कैन सी मैं इसको पूरा प्रेस कर रहा हूँ अभी। ऑलराइट गाइस, सो आपने देखे कि मैंने ये तीन बाइसाइकिल के जो बॉटल होल्डर्स हैं मैंने इनको भी आपके दिखाए हैं थर्ड नंबर पे। एंड ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है। इन टर्म्स ऑफ अगर इनके प्राइस की बात करूँ गाइस तो ये बॉटल होल्डर्स आपको अमेजन पे बहुत इजीली मिल जाएगा 100 से 200 रुपीज़। और गाइस फोर्थ नंबर पे जो वाटर बॉटल होल्डर्स मेरे पास आज के लिए है अमेजन से वो है ये वाला। नाउ ये वाला जो वाटर बॉटल होल्डर है गाइस इसमें आप देख सकते हो कि इसका जो बेस मटेरियल है ये प्लास्टिक का है जिससे ये आपके बाइक के बॉडी को स्क्रैच नहीं देगा। एंड जो ऊपर का मटेरियल है ये वाला ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है जिससे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ पे आपको नट मिल जाता है जिससे आप इसको स्क्रू करके इसको टाइट कर सकते हो। बीच में यहाँ पे स्प्रिंग मैकेनिज्म जैसा है जिससे ये बॉटल्स को काफ़ी अच्छी तरीके से होल्ड करके रखेगा। पीछे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे जिससे आप इसको माउंट कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्गनेस की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है, जान मैं काफ़ी लगा रहा हूँ। एज यू कैन सी ये अभी भी नहीं टूटा है। एंड एल्यूमिनियम का है तो आप इसको वापस मोल्ड करके इसके ओरिजिनल शेप में आप इसको ले जा सकते हो। एंड ओवरऑल क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। ये बॉटल होल्डर्स भी आपको अमेजन पे काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और गाइस नाउ फिफ्थ नंबर पे आज के वीडियो में जो बॉटल होल्डर्स मेरे पास है वो है ये वाला टोपीक की तरफ से। ये भी एक प्लास्टिक का वाटर बॉटल होल्डर है। एंड नीचे इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे एक येलो कलर का नॉब आपको मिलता है जिसको आप ओपन करके कुछ इस तरीके से अपने बॉटल होल्डर्स को ओपन कर सकते हो। एंड अपने बॉटल को यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ इसके मेक मटेरियल की बात करें तो ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है, स्ट्रेचेबल क्वालिटी है इसकी भी। एंड पीछे की तरफ आपको पॉइंट्स मिलते हैं जिससे आप इसको अपने बाइसाइकिल के बॉडी में माउंट कर सकते हो। एंड ओवरऑल अगर इसकी फिनिशिंग की बात करूँ तो बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले इसकी फिनिशिंग मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। टोपीक ब्रांडिंग है इसमें तो ऑब्वियसली टोपीक काफ़ी अच्छा ब्रांड माना जाता है। स्ट्रेचिंग भी आप देख सकते हो गाइज, मैं इसको स्ट्रेच करके दिखा रहा हूँ। एंड एज यू कैन सी गाइज आई एम स्ट्रेचिंग इट बट ये फिर भी टूट नहीं रही है। एंड यहाँ से भी हम इसको पूरे तरीके से स्ट्रेच करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। सो ओवरऑल ये वाला टोपीक का बॉटल होल्डर्स भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा एंड ड्यूरेबल है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके इसको चेक कर सकते हैं कि करंटली कितने में अवेलेबल है। सभी प्रोडक्ट्स के बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, आप वहां से जाके अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इनको खरीद सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो इस चैनल को एंड बेल बटन को प्रेस करके रखना। मेरे रिगार्डिंग और भी अपडेट्स को पाना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में आप कर सकते हो फॉलो। मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का आईडी है @cycleriderroy। मैं मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते अगले वीडियो को लेकर। टिल देन कीप पेडलिंग, स्टे फिट एंड ऑलवेज स्माइल। बाय बाय।